मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में या गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर करता क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है करंट को किसी भी सर्किट में। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी किया था कि गैल्वेनोमीटर लगा दिया, अगर उसमें करंट गया तो उसमें डिफ्लेक्शन होगी, नहीं गया तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ऐसा करते थे। लेकिन एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर क्या करता है, एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है, करंट मेजर भी करता है लेकिन बहुत ही छोटा छोटा करंट मेजर करता है। कितना छोटा? मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, यानी कि 3 × 10⁻³ एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, बहुत ही छोटा, मतलब बस समझो डिफ्लेक्शन लायक ही है, इतना छोटा करंट करेंगे भी क्या। लेकिन 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट मेजर नहीं कर सकता। इसकी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट तो करता ही है, साथ में उसकी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर भी करता है। अब गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है, कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, उसमें टॉर्क जनरेट होगा। हमने किया, यही इसका प्रिंसिपल है। क्या? अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडिंग डिपेंडेंट टॉर्क। ये क्या होता है, करंट डिपेंडेंट टॉर्क, एक ऐसा टॉर्क जो करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक ऐसा टॉर्क जो करंट पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर करंट जाएगा तो टॉर्क होगा, करंट नहीं जाएगा तो टॉर्क नहीं होगा। तो करंट डिपेंडेंट टॉर्क विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, यानी कि इसमें क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क, और कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करता है। एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन का मतलब घूमना, रोटेट करना, तो क्या प्रोड्यूस करता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन, यानी कि टॉर्क जनरेट करता है। तो इसका प्रिंसिपल है, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये इसका बेसिक डायग्राम है। इसके डायग्राम में सबसे पहले ये मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर वायर्स को लपेट रखा है, और ये कॉपर की वायर्स हैं। वायर का एक हिस्सा यहां से आ रहा है और वायर का दूसरा हिस्सा ऊपर जा रहा है, यहां से निकल रहा है। आपको अगर मान लो करंट मेजर करना है, तो हमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ऐसा किया कि मान लो आई करंट आ रहा है, रास्ते में क्या लगा दिया, एम मीटर, और करंट ऐसे बोलो कितनी रीडिंग है एम मीटर की, बहुत क्वेश्चंस किए। अगर वो उस एम मीटर को तोड़ा जाए तो तोड़ के ये दिखेगा आपको, ब्रेक करोगे तो बीच में से ये दिखेगा आपको, राइट। तो ये एम मीटर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये एम मीटर है। अब इसके अंदर, इस एम मीटर में करंट एंटर करेगा तभी मेजर करोगे, तो इस एम मीटर में करंट जैसे यहां से एंटर कर रहा है, यहां घूम के जा रहा है और फिर ऐसे बाहर निकलेगा, तो ऐसे करंट आएगा और जाएगा। अब जैसे करंट इसमें आएगा और घूमेगा, तो ये कॉइल पड़ी हुई है कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगुलर कॉइल है कुछ ऐसी, रेक्टेंगुलर कॉइल है कुछ ऐसी। तो रेक्टेंगुलर कॉइल, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पड़ी हुई है, क्योंकि बी कहां पर है, नॉर्थ से साउथ, कॉइल भी ऐसे पड़ी हुई है। इट विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि एंगल बिटवीन कॉइल एंड बी क्या है यहां पर, जीरो, तो टॉर्क इसमें क्या होगा, मैक्सिमम, राइट। तो टॉर्क इसमें मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क यानी कि कॉइल रोटेट करेगा, सिंपल। अब होगा क्या, जब ये कॉइल रोटेट करेगा, और ये कॉइल किस पे लपेट रखी है, सॉफ्ट आयरन कोर पे, उसका रीजन है, मैं रीजन थोड़ी देर में बताऊंगा कि सॉफ्ट आयरन कोर में क्यों लपेटी जाती है, मतलब नीचे लक्कड़ पे भी लपेट सकते हैं पर सॉफ्ट आयरन कोर रखा गया, बताता हूं क्यों। तो करंट आया, ये घूमा, हल्का सा घूमा, डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ तो ये जो वायर है ये अपनी जगह पे ऐसे घूमे, ये जो वायर है ये ऐसे घूमेगी। तो ऑब्वियसली अगर ये कॉपर की वायर होगी, अगर ये वायर कॉपर की होगी, तो कॉपर की वायर क्या है, आप मरोड़ो उससे, 1, 2, 3, 4, 5 हाथ में टूट के हाथ में जाएगी, कॉपर की तारें टूट जाती हैं, मरोड़ो टूट जाएगी। और इसने पूरा दिन करंट मेजर करना है, तो आप एक ऐसी वायर यूज करेंगे जिसमें ट्विस्टिंग हो सकती है, डिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन वो टूटेगी नहीं, मुड़ सकती है, ट्विस्ट हो सकती है, टूटेगी नहीं। तो मटेरियल स्प्रिंग टाइप मटेरियल यूज करना पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा जैसे बॉल पेन के स्प्रिंग्स होते हैं, क्या होता है स्प्रिंग में, वो स्प्रिंग खींच लो, मरोड़ लो, टूटेगा नहीं, राइट। तो स्प्रिंग टाइप मटेरियल है, और वो मटेरियल किसका बना हुआ है, फॉस्फरस ब्रॉन्ज टिप का, तो इस मटेरियल से बना हुआ है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, जिसके अंदर ये पूरा ताकि ये रोटेट कर सके। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं अभी बताऊंगा, लेवलिंग स्क्रू तो बस
ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए मिरर का यूज नहीं है, मिरर कुछ नहीं है, कंकेव मिरर है, थोड़ी बड़ी रीडिंग करके दिखा देगा और कुछ नहीं है इसमें। फॉस्फरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है और टॉर्शनल हेड भी कुछ नहीं है, पेच है जो ऊपर बना रखे है। तो किया कुछ नहीं, करंट गया, कॉइल घूमी, डिफ्लेक्ट हुई और बस वहां से बाहर निकल गया करंट। अब आपने एक चीज नोट की होगी, कोई भी अगर आप मीटर देखें, कोई मीटर देख लें, वो कोई भी मीटर होता कैसे है, उस पर ना वाइट कलर या कोई कलर का ऐसा, कार का मीटर भी देख, सुई है, सुई घूमती है ऐसे, आप रेस देंगे 60 किलोमीटर, 80, 100, सुई जाती है। इसके अंदर भी ऐसे ही है, देखने में मशीन ऐसी है लेकिन इसके टॉप के ऊपर ऐसे सुई लगी हुई है। अब सोचें एक मिनट के लिए, अगर आपका कोई भी ये क्वाइल है, ये बाहर निकाल लिया क्वाइल है, रेक्टेंगुलर क्वाइल है, बिल्कुल छत पे यहाँ पर सुई लगा दी, अगर ये ऐसे घूमा तो ये वाली वायर भी ऐसे ट्विस्ट हो गई, ये भी घूमी, जब ये सारे घूमे तो ऊपर लगी हुई सुई भी घूम गई। आप देख रहे हैं क्वाइल ऐसे घूमी, क्वाइल ऐसे घूमी, नीडल घूम रही है। आप इसे भूल जाएं, आप जब मार्केट जाएंगे तो आपको गैल्वेनोमीटर का जो टॉप का सरफेस दिखाई देता है, ये नहीं दिखता, ये दिखता है उसमें ऐसी ऐसे मीटर डिविजन्स होती हैं, ऐसे डिविजन्स। तो जैसे ये मान लो ये आपकी निडल है, ये री, तो ये बेसिकली जब राइट घूमेगी तो करंट की रीडिंग देगी, इस पे करंट लिखा होता है कितना करंट है, जैसे 0 से 5 एम्पियर करंट है, तो मान लो ये 0 एम्पियर है और ये मान लो कुछ भी 5 मिली एम्पियर करंट है, तो सुई यहाँ पर 0, यहाँ पर मान लो 1, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5, तो ये ऐसे घूमती दिखेगी। पर एक्चुअल में सुइयाँ ऐसे कैसे घूमती हैं, नीडल थोड़ा घूमती है ऐसे, एक्चुअल में तो अंदर कॉइल डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जितना बड़ा करंट होगा उतना बड़ा इसमें टॉर्क होगा, उतना बड़ा इसमें डिफ्लेक्शन होगा, उतनी ज़्यादा ये निडल भी घूमेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, निडल कितनी घूमती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम ऐसा बनाते हैं कि अगर 5 माइक्रो एम्पियर करंट है तो 5 पे जाके सुई रुक जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक क्या है, देखने में मशीन कैसी है, अंदर तोड़ के ऐसी है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसके अंदर सपोज मैथमेटिकल जो इसका पोर्शन है, इसके अंदर जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है इन दी क्वाइल, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, ए का मतलब एरिया इंक्लोज्ड बाय ईच टर्न है, हर का एरिया ए है और एन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, आई का मतलब करंट फ्लोइंग इन दी गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर करंट इसमें आई है, के का मतलब टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है स्प्रिंग का, ये नई चीज़ है टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, इसको समझते हैं। टॉर्शनल कॉन्स्टेंट क्या होता है, देखो जो टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है, अगर आपको याद हो तो हमने ना +1 के अंदर स्प्रिंग सीखे थे। स्प्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास कोई भी एक स्प्रिंग है और आप इसे खींचते हैं बाय अ फोर्स ऑफ एफ, तो अगर कोई भी स्प्रिंग है आप इसे खींचते हैं बाय अ फोर्स ऑफ एफ, राइट, तो एफ फोर्स से खींचते हैं और इसमें एक्सपेंशन प्रोड्यूस होती है एक्स, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के, तो इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस के एक्स, माइनस साइन का मतलब उल्टी फोर्स है और वैल्यू क्या है, माइनस के एक्स। अब इसमें स्प्रिंग कैसे मूव कर रहा है, लीनियर स्ट्रेट मूव कर रहा है। अब सोचें एक मिनट के लिए, स्प्रिंग, स्प्रिंग टाइप मटेरियल अगर लीनियरली मूव ना करे, क्या करे, रोटेट करे, रोटेट करे, घूमे, ट्विस्ट करे, तो जब भी कोई चीज एंगुलर मोशन में होती है उसमें फोर्स यूज नहीं करते, उसमें क्या यूज करते हैं, टॉर्क, एफ की जगह टॉर्क, तो रिस्टोरिंग फोर्स की जगह रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग के लिए नेगेटिव और रिस्टोरिंग के, के का मतलब यहां, के का मतलब क्या था, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, पर यहां पर के का मतलब क्या है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट मतलब ऑब्वियस स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ही बोल सकते हैं क्योंकि ये टॉर्क से डराइव्ड है, टॉर्शनल टॉर्क, टॉर्क वर्ड से टॉर्शनल आया, मटीरियल पे डिपेंड करता है और जहां पर एक्स है वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जो जो काम एक्स करता है वो काम इसमें थीटा करता है, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब कोई स्प्रिंग लीनियर मोशन में होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, जब एंगुलर मोशन में होगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस के थीटा, तो यहां पर के क्या है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अब इसमें इस टॉपिक में के, क्योंकि स्प्रिंग घूमेगा ट्विस्ट करेगा तो क्या टर्म यूज करेंगे, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो करंट पास करता है मेरी कॉइल में और करंट कैरिंग कॉइल को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करके,
तो बी भी इस तरफ है, कॉइल भी इस तरफ है, तो यानी कि टॉर्क इसमें एक्सपीरियंस क्या होगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी आई ए कॉस जीरो या एन बी आई ए साइन 90, क्योंकि अगर कॉइल ऐसे होगा उसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा और बी के साथ एंगल 90 बनाएगा, और ज़्यादातर बुक्स फॉर्मूला साइन का ही यूज़ करती हैं, तो कोई बात नहीं साइन यूज़ कर लें। तो अगर कॉइल और बी ऐसे हैं तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा जो कि बी के साथ एंगल 90 बनाएगा, टॉर्क हर हालत में मैक्सिमम आएगा, इतना टॉर्क आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया ताकि ये कॉइल घूमे रोटेट करे। अब किसी पॉइंट पे आके वो रुक जाएगी, ये तो थोड़ी पंखे घूमेगी थोड़ी ना, रुक गई, हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया, रुक गई और ये वायर ऊपर वाली मुड़ गई, बस ट्विस्ट हो गई। अब होगा क्या, जब ये वायर ट्विस्ट होगी पूरी तरीके से तो इसके अंदर अब क्या डेवलप होगा, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क जो से वापस लेके आएगा, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला हमने क्या किया था अभी, के थीटा माइनस साइन रिस्टोरिंग के लिए, पर मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो के इंटू थीटा, थीटा की जगह ये टर्म एल्फा यूज कर रहे हैं, तो एंगल का जो ट्विस्ट एंगल है वो मान लो एल्फा, तो ये टॉर्क थोड़ी देर बाद क्योंकि वायर रुक गई तो यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जिससे आपने उसको घुमाया, और रिस्टोरिंग टॉर्क है वो बराबर हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एन बी आई ए और रिस्टोरिंग टॉर्क कितना के एल्फा, सॉल्व करके आपके पास एल्फा की वैल्यू आ गई, एल्फा आई के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा करंट भेजोगे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन एल्फा उतनी ज्यादा होगी, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो करंट प्रोपोर्शनल टू एल्फा, तो करंट अगर मेजर करना है बस आपको मुझे एल्फा बताने की कितना ट्विस्ट हुआ वायर में, कितना एंगल आया, जितना भी एंगल आएगा वो पुट कर देना, के आपको पता होगा, एन बी ए सब पता है, करंट आएगा, फॉर्मूला नोट करो फॉर्मूला बुकलेट में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हेडिंग डालो और करंट का ये फॉर्मूला नोट करो प्लीज। यहाँ तक लिख लिया, ये जो कांस्टेंट है किसी भी गैल्वेनोमीटर का, इसकी जगह लिखेंगे जी, जी जी का नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट या करंट रिडक्शन फैक्टर, या बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फिगर ऑफ मेरिट, तो फिगर ऑफ मेरिट जी का फॉर्मूला लिखो प्लीज बुकलेट में, इसका नाम लिखो जी, फिगर ऑफ मेरिट का ये फॉर्मूला, वो कैलकुलेट करने को कहेगा, फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला लिखो के अपॉन एन बी ए, या फिर आई अपॉन अल्फा भी होता है, आई अपॉन अल्फा फिगर ऑफ मेरिट। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, वो आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे लिखी, एक बार वो बता दो, टॉर्क इज इक्वल टॉर्क रिस्टोरिंग वाली। देखो एक बात बताओ, जब आप स्प्रिंग यूज करते हो नॉर्मल, एक स्प्रिंग को आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, स्प्रिंग रुक गया यहां पे, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कितनी है, 10 ही है ना,
सर, ऐसे रोटेशनल मोशन में आपने टॉर्क 10 लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ऑब्वियसली 10 ही है ना मैग्नीट्यूड में, ओके सर, इसलिए। तो यहाँ तक क्लियर है?